हेलो एवरीवन आज हम सीखेंगे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले अंग्रेज़ी शब्द यानी कि इंग्लिश वर्ड्स जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में डेली यूज़ करते हैं तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड है पीपल पीपल का मीनिंग होता है लोग दे आर गुड पीपल वे अच्छे लोग हैं दे आर गुड पीपल वे अच्छे लोग हैं नेक्स्ट है वर्क वर्क का मीनिंग होता है काम करना यू शुड वर्क डेली आपको रोजाना काम करना चाहिए यू शुड वर्क डेली नेक्स्ट है हैप्पी हैप्पी का मीनिंग होता है खुश यू लुक हैप्पी टुडे आज आप खुश दिख रहे हैं यू लुक हैप्पी टुडे नेक्स्ट वर्ड है सैड सैड का मीनिंग होता है उदास फॉर एग्जाम्पल वाई आर यू सैड आप उदास क्यों हैं नेक्स्ट है वीक डब्ल्यू डबल ई के वीक वीक का मीनिंग होता है सप्ताह देर आर सेवन डेज इन अ वीक सप्ताह में सात दिन होते हैं देर आर सेवन डेज इन अ वीक नेक्स्ट वर्ड है डब्लू ई ए के वीक वीक का मीनिंग होता है कमजोर फॉर एग्जाम्पल आई एम वीक इन मैथ्स मैं गणित में कमज़ोर हूँ आई एम वीक इन मैथ्स नेक्स्ट है स्ट्रोंग स्ट्रोंग का मीनिंग होता है मजबूत फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ स्ट्रोंग बॉय वो एक मजबूत लड़का है ही इज़ अ स्ट्रोंग बॉय नेक्स्ट है हाउस हाउस का मीनिंग होता है घर फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई हाउस ये मेरा घर है दिस इज़ माई हाउस नेक्स्ट वर्ड है ग्रेट ग्रेट का मीनिंग होता है महान फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट प्रेसिडेंट डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम एक महान राष्ट्रपति थे नेक्स्ट है थिंक थिंक का मीनिंग होता है सोचना फॉर एग्जाम्पल आई थिंक दिस इज राइट मैं सोचता हूँ ये सही है नेक्स्ट है बिफोर बिफोर का मीनिंग होता है पहले द ट्रेन इज़ बिफोर टाइम ट्रेन समय से पहले है नेक्स्ट है आफ्टर आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में फॉर एग्ज़ाम्पल शिकम आफ्टर द क्लास वो क्लास के बाद आई शिकम आफ्टर द क्लास नेक्स्ट है टाइम टाइम का मीनिंग होता है समय फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम इज़ वेरी प्रीशियस समय बहुत कीमती है टाइम इज़ वेरी प्रीशियस नेक्स्ट है आवर आवर का मीनिंग होता है हमारा दिस इज़ आवर गार्डन ये हमारा बगीचा है आवर का मीनिंग होता है हमारा दिस इज़ आवर गार्डन नेक्स्ट है सिंग सिंग का मीनिंग होता है गाना फॉर एग्जाम्पल शी सिंग सोंग वो एक गाना गाती है शी सिंह असोंग नेक्स्ट है सिंगर सिंगर का मीनिंग होता है गायक जो गाना गाते हैं फॉर एग्जाम्पल अरिजीत सिंह इज अ गुड सिंगर अरिजीत सिंह एक अच्छे गायक हैं नेक्स्ट है विलेज विलेज का मीनिंग होता है गाँव फॉर एग्जाम्पल माई विलेज इज़ वेरी ब्यूटिफुल मेरा गाँव बहुत खूबसूरत है माई विलेज इज़ वेरी ब्यूटिफुल नेक्स्ट है फ्रेंड फ्रेंड का मीनिंग होता है दोस्त फॉर एग्ज़ाम्पल रिया इज़ माई ट्रू फ्रेंड रिया मेरी सच्ची दोस्त है रिया इज़ माई ट्रू फ्रेंड नेक्स्ट है इस्मॉल स्मॉल का मीनिंग होता है छोटा फॉर एग्जाम्पल ही इज़ आ इस्मॉल किड वो एक छोटा बच्चा है ही इज़ आ स्मॉल किड नेक्स्ट है बिग बिग का मीनिंग होता है बड़ा रोहन इज माय बिग ब्रदर रोहन मेरा बड़ा भाई है नेक्स्ट है टॉल टॉल का मीनिंग होता है लंबा टीना इज अ टॉल गर्ल टीना एक लंबी लड़की है नेक्स्ट है कॉल सी ए डबल एल कॉल का मीनिंग होता है बुलाना फॉर एग्जांपल सम वन कॉलिंग यू सम वन कॉलिंग यू कोई आपको बुला रहा है नेक्स्ट है ओपन ओपन का मीनिंग होता है खोलना प्लीज़ ओपन द डोर कृपया दरवाज़ा खोलें प्लीज़ ओपन द डोर नेक्स्ट वर्ड है क्लोज़ क्लोज़ का मीनिंग होता है बंद करना फॉर एग्ज़ाम्पल प्लीज़ क्लोज़ द डोर कृपया दरवाज़ा बंद करें प्लीज़ क्लोज़ द डोर नेक्स्ट वर्ड है स्लीप स्लीप का मीनिंग होता है सोना आई वॉन्ट टू स्लीप मैं सोना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू स्लीप नेक्स्ट है वेरी वेरी का मीनिंग होता है बहुत यू आर वेरी ब्यूटिफुल आप बहुत खूबसूरत हैं यू आर वेरी ब्यूटिफुल नेक्स्ट है राइट राइट right का मीनिंग होता है लिखना आई राइट अ लेटर मैं एक पत्र लिखता हूँ आई राइट अ लेटर मैं एक पत्र लिखता हूँ नेक्स्ट है नियर नियर का मीनिंग होता है पास माई स्कूल इज़ नियर टू माई हाउस माई स्कूल इज़ नियर टू माई हाउस मेरा स्कूल मेरे घर के पास है नेक्स्ट है ऑनेस्ट ऑनेस्ट का मीनिंग होता है ईमानदार फॉर एग्जाम्पल राहुल इज़ अ ऑनेस्ट मैन राहुल इज़ ऑनेस्ट मैन राहुल एक ईमानदार आदमी है नेक्स्ट वर्ड है पॉसिबल पॉसिबल का मीनिंग होता है संभव एवरी थिंग इज पॉसिबल सब कुछ संभव है एवरी थिंग इज पॉसिबल नेक्स्ट है वॉश वॉश का मीनिंग होता है धोना फॉर एग्जाम्पल आई वॉश माई क्लोथ्स बाय माई सेल्फ मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ आई वॉश my clothes बाय माई सेल्फ नेक्स्ट वर्ड है आस्क आस्क का मीनिंग होता है पूछना डोंट आस्क मी मुझसे मत पूछो डोंट आस्क मी नेक्स्ट वर्ड है टेल टेल का मीनिंग होता है बताना फॉर एग्जाम्पल टेल मी वॉट हैपन टेल मी वॉट हैपन मुझे बताओ क्या हुआ नेक्स्ट है अटेंशन अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना प्लीज़ अटेंशन हीयर कृपया यहाँ ध्यान दें प्लीज़ अटेंशन हीयर नेक्स्ट है कंट्रोल कंट्रोल का मीनिंग होता है नियंत्रण करना फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल योर एंगर अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें नेक्स्ट है बिटर बिटर का मीनिंग होता है कड़वा ट्रुथ इज़ ऑलवेज बिटर फॉर एग्जाम्पल ट्रुथ इज़ ऑलवेज बिटर सच हमेशा कड़वा होता है नेक्स्ट है अगेन अगेन का मीनिंग होता है दोबारा या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल डोंट डू दिस अगेन ऐसा दोबारा मत करना डोंट डू दिस अगेन नेक्स्ट है लेजी लेजी का मीनिंग होता है आलसी फॉर एग्ज़ाम्पल डोंट बी लेजी डोंट बी लेजी आलसी मत बनो नेक्स्ट है स्केरी स्केरी का मीनिंग होता है डरावना फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ वेरी स्केरी ये बहुत डरावना है दिस इज़ वेरी स्केरी लास्ट वर्ड है ऑफिन ऑफिन का मीनिंग होता है अक्सर फॉर एग्ज़ाम्पल आई ऑफिन देयर मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ आई गो देयर तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू